हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कस्टम मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए किया आई हूँ बहुत ही आसान सा और बहुत ही डिलीशियस मिठाई की रेसिपी। तो आप लोग देख सकते हो इसका लुक तो कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में ही। तो चलिए देर ना करते हुए आज की रेसिपी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आज बनाएंगे सूजी से ये मिठाई। तो मिठाई बनाने के लिए तो हम लोग ले लेंगे सबसे पहले यहाँ पर सूजी। तो सूजी हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं एक कटोरी, और ये सूजी बारीक है। तो हम लोग इसको एक पैन में रखेंगे इसको गर्म होने के लिए। तो हम लोग इसको ड्राई रोस्टी करेंगे। अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस को कर लिया था ऑन, और गैस ऑन करने के बाद पैन हमारी गर्म हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है सूजी, और हम लोग इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए। तो बस इसको हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट, इसका जस्ट हल्का सा कलर चेंज होने तक। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से, आप लोग उसी तरह से इसका कलर चेंज होने तक आप लोग इसको ड्राई रोस्ट करना। तो बस सूजी हमारी हो चुकी है, तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर एक प्लेट में। इसको रख देंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो सूजी हमारी जब तक ठंडा होती है तब तक हम लोग यहाँ पर चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर गैस को रखा है पैन, और पैन में डाल लिया है एक कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी लिया था चीनी, और उसी कटोरी से एक कटोरी पानी। तो इसमें डाल दिया है पानी, और इसमें उबाल आने देंगे। तो उबाल आना शुरू हो चुकी है, तो मैंने इसमें यहाँ पर डाल दिया फ्लेवर के लिए इलायची थोड़ी सी, और यहाँ पर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी फूड कलर। तो अगर आपके पास हो फूड कलर तो डालना, नहीं तो स्किप कर देना, फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास हो तो डालना, नहीं तो कोई बात नहीं भी डाल सकते हो। तो बस इसका एक तार आने तक हम लोग इसका शीरा बनाएंगे। तो बस शीरा हमारी हो चुकी है, तो रख देंगे साइड में, और वापस से वही पैन मैंने लिया है तो इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, और यहाँ पर डाल देंगे इसमें दूध। तो दूध मैंने यहाँ पर डाला है 2 गिलास, और दूध डालने के बाद हम लोग डाल देंगे इसमें थोड़ी सी चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर बस 1 चम्मच ही डाला है, और इसको मेल्ट होने देंगे दूध में चीनी को। और थोड़ी सी हम लोग डाल देंगे यहाँ पर घी। तो 1 चम्मच मैंने घी भी डाल दिया था। और इन सभी को डालने के बाद हम लोग डाल देंगे अपना सूजी, भुना हुआ सूजी जो कि हम लोग पहले रखे थे भुन करके, और इसको हम लोग चला लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको चलाते ही रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो सूजी में गुठली पड़ जाएगी। तो बस इसको चलाते हुए इस तरह से इसको पका लेना है सूजी को दूध में। तो इसी तरह से चलाते हुए सूजी को पकाना है। मैंने वापस से यहां पर डाला था घी, तो 1 चम्मच हम लोग फिर से डाल देंगे इसमें घी, ताकि इसमें स्मूथनेस रहे और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी अगर आप लोग इस तरह से ऊपर से घी डालते हो। तो इस तरह से घी को अच्छे से हम लोग मिला लेंगे सूजी में। तो अच्छे से मिलाने के बाद हम लोग यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। तो गैस मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है, और हम लोग इसको फिर से वापस से इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, आप लोग देख सकते हो कितना स्मूथ लग रहा है देखने में। तो आप इस तरह से प्लेट पर रखने के बाद फिर से हाथों से इस तरह से आप लोग टचअप दे सकते हो स्मूथनेस के लिए। बस थोड़े से हम लोग लेंगे इस तरह से पेड़े की तरह हम लोग बनाएंगे। तो मैंने वापस से हाथ में घी लगाया था क्योंकि ये चिपक रही थी सूजी का है इसलिए। तो मैंने यहाँ पर घी लगाया था, और इस तरह से हम लोग इसको एक पेड़े की तरह हम लोग बना लेंगे।
और इस तरह से ढककर लेंगे एक, और इस तरह से हम लोग इसमें इसका डिजाइन बना लेंगे। तो इसी तरह से साड़ी इसी तरह से हम बना लेंगे पेरे और ढक्कन से इसका हम लोग डिजाइन बना लेंगे। अगर आप लोग चाहो तो दूसरा डिजाइन भी इसका बना सकते हो। तो ये देखिए साड़ी पेरे हमारी अच्छे से बन चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ से पास से दिखा रही हूँ, तो अभी देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है अभी से ही। तो चलिए हम लोग इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस के ऊपर डाल दिया ऑयल, तो ऑयल को हमारे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो बस ऑयल हमारे अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम और हम लोग डाल देंगे अपने मिठाई को। तो इसी तरह से स्पेस बनाते हुए हम लोग जितना इसमें आएगा उतना हम लोग डाल देंगे। तो ये लीजिए एक तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। तो हम लोग इसी तरह से साड़ी पेरे को हम लोग पलटा लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। तो भाई साड़ी पेरे को हम लोग इस तरह से स्पून की सहायता से इसको पलटाते जाएंगे और सभी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी पेरे फ्राई गोल्डन ब्राउन कलर हो चुकी है। तो जो जो हुआ है वो सब यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे एक प्लेट में, और जो सब नहीं हुआ इसको वापस हम लोग पलटा देंगे और उसको भी अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो बस साड़ी हो चुकी है फ्राई, तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। और जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बस साड़ी पेरे हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इस सारे को निकाल लेंगे हम लोग। और मैंने यहाँ पर शीरा को वापस रख दिया गर्म होने के लिए। बस थोड़े से हम लोग इसको गर्म करेंगे और हम लोग सारी मिठाइयाँ को इस तरह से रख देंगे शीरा में। तो जो सब शीरा में डूब चुका था उसको हम लोग ऊपर रख लेंगे और जो बाकी बचा हुआ है उसको हम लोग शीरा में डुबा देंगे। तो इसी तरह से साड़ी हम लोग डुबा लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से शीरा में मिल जाए। तो ये लीजिए 10 से 15 मिनट हो चुकी थी, तो मैंने वापस से प्लेट में यहाँ पर निकाल लिया है। तो आप लोग देख सकते हो इसका कलर, इसका टेक्चर, तो बिल्कुल इसका टेस्ट एकदम मार्केट जैसा था। जैसा हमने मार्केट से लाते मिठाई उसी तरह से इसका टेस्ट था। तो आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हो घर में ही और बना सकते हो। तो फ्रेंड्स यही थी आज की हमारी रेसिपी। कैसी लगी आपको जरूर मुझे बताना कमेंट करके। अगर चैनल पर नया आते तो सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।